इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद जी हाँ दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, जैसे कि आपको अपने मार्क्स अपलोड करने होते हैं। एंड इसके अंदर जैसे रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाना, ठीक है दोस्तों। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको जो है, चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर जाता हूँ। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। एंड दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देखिए आप जो है यहाँ पे जा रहे होंगे पीजी वाले पोर्टल पे, और उसके बाद यहाँ से जो है आप आप यहाँ से जो है लॉगिन कर रहे होंगे। बट यहाँ से जब आप लॉगिन करोगे तो आपको अपना स्कोर कार्ड और जो आपने पेपर दिया था वही शो करेगा। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो है यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे देखिए पीजी एडमिशन पोर्टल, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। वैसे जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उनके पास मैसेज आया है और इस फॉर्मेट का जो है उनके पास लिंक भी आया है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ से जो है आपको जो है लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए देखिए आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो आपका ईमेल आईडी है वो फिल करनी है, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड आपको फिल करना है, ओके। और उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कैप्चा, तो ये आपको कैप्चा जो है अच्छे से फिल कर देना है। इसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, काफ़ी मतलब हार्डली है, तो आप थोड़ा इसे अच्छे से देख के उसके बाद फिल करें। तो यहाँ से आपको समझ आ गया। और दोस्तों यदि आपको जो है पासवर्ड में दिक्कत आती है, मीन्स आप पासवर्ड भूल गए, तो देखिए नीचे और ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रीसेट पासवर्ड का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपने आप जो है पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपका जो मेल है वो उसमें डाल के सबमिट कर देना, और उसके बाद आपके पास मेल पे एक लिंक आएगी, उससे जो आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो है हम ये कैप्चा वगैरह फिल कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है सिंपली लॉगिन होता है, और आगे की प्रोसेसिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी है और मैं जो अब इसे लॉगिन करता हूँ सिंपली यहाँ से। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा यहाँ पे। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपका कोर्स है, ठीक है, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट आया, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको प्रिंट आउट भी लेना है फॉर्म का, और ये रहा आपका ऑप्शन मार्क्स का, यानी कि आपको मार्क्स अपडेट यहाँ से करने होंगे। तो सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है मार्क्स पे, ओके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करने वाला है। आपको यहाँ पे जो है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है। अब देखिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ से देख के ईयर जो भी आपके है वो सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, ओके। एंड उसमें देखिए ये फॉर्मूला वगैरह सब दिया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ के जो भी मतलब आपसे जो भी मांगा जा रहा है वो आप यहाँ से देख लेना, ट्वेल्थ क्लास के जो आपके मार्क्स है, ठीक है, ये डिग्री, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो आप जो है यहाँ से सब चीज़ें फिल करके, ये तो देखिए आपको भी पता है, ठीक है, आपने ट्वेल्थ किया तो कहाँ से किया, आप अपने हिसाब से इसे फिल कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आप जो है यहाँ से इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपसे जो है फाइनल सबमिट मांगेगा, तो आप पहले अच्छे से देख लेना और उसके बाद ही जो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको यहाँ पर अपने मार्क्स अपडेट करने हैं, जो आपका लास्ट ईयर का जो क्वालिफाई मार्क्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, जो भी इसमें आपसे पूछा गया है वो आप इसमें अच्छे से देख लेना, और उसके बाद आप इसे यहाँ से फिल कर देना। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जो लिस्ट आएगी फाइनल लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है जो भी कॉलेज आपको अलॉट होती है उस कॉलेज में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाने हैं, और इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस है वो आपको जमा करानी। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन डाउनलोड करना है, और उसमें फर्स्ट पेज पर उसमें दिया हुआ है एडमिशन की पूरी
प्रोसेसिंग उसमें दी गई है कि आपको जो है क्या क्या करना होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें पूरी प्रोसेसिंग दी गई है। आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है एंड और भी आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है, तो आप उन्हें कॉल करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हो यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सभी चीज़ें समझ आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।